योगी मंत्रिमंडल 2.0 के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां लखनऊ में तेजी से चल रही हैं। इस वक्त आप देख सके तस्वीरों में कान्हा स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बना हुआ, और यहां पर लगातार तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इसके अलावा पूरा लखनऊ और राज्य प्रशासन का तमाम सारा अमला जो है वो जुटा हुआ है तैयारियों में। बड़े पैमाने पर तैयारी है, इसकी सुरक्षा 3 लेयर की रखी गई है। पहली लेयर में जो है वो सिविल पुलिस के जवान हैं, सेकेंड लेयर में ATS के कमांडोज हैं, और थर्ड लेयर में SPG के हवाले है, चूँकि प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल, एक बड़ा मंत्रिमंडल यहां पर शपथ लेने जा रहा है। दूसरी बार एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी को यहां पर मिली है, लिहाजा बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो इस इलाके में, इस इकाना स्टेडियम से जो इबारत गढ़े उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो भी उतनी ही ऐतिहासिक हो जितना ऐतिहासिक बहुमत सत्ता में आने के नाते दोबारा उनको मिला है। लगभग 37 साल बाद ऐसा हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में कोई सियासी दल सत्ता में रहने के बाद दोबारा वापसी कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ऐसे लगभग पहले मुख्यमंत्रियों में शामिल हो रहे हैं जो मुख्यमंत्री दोबारा 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 5 साल के कार्यकाल के लिए चयनित होने जा रहा है। अब जब ये शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम हो रहा है तो इसकी तैयारियां भी अगर आप देखें, लगातार हेलीपैड के निर्माण से लेकर के तमाम सारे काम जो है वो चुनाव परिणाम आने के बाद से ही शुरू हो गए। कान्हा स्टेडियम को इसकी भौगोलिक स्थिति के नाते तय किया गया, शहीद पथ के किनारे स्थित इस स्टेडियम को काफ़ी भव्य बनाया गया, और इसकी क्षमता जो है वो करीब 70,000 के आसपास बताई जा रही है। और इस कार्यक्रम में जो इन्वाइट किए गए लोग हैं, साधु संत, तमाम सारे ऐसे गणमान्य अतिथि जो देश में नामी शख्सियतें हैं, इसके अलावा केंद्रीय सरकार से अगर आप बात करें, तमाम केंद्रीय मंत्री, सभी BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो वोटरों पर खास ध्यान दिया गया है। लाभार्थी स्कीम, जिसको कहा जा रहा है कि ट्रंप कार्ड साबित हुई बीजेपी की जीत में, लाभार्थियों को यहाँ पर खास तौर पर बुलाया गया है। इसके अलावा बीजेपी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने बीजेपी को दोबारा जीत दिलाई है, ऐसे कार्यकर्ताओं को शक्ति केंद्र और बूथों से मंडलवार सेक्टरवार जो है वो यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, बाकायदे उनको इन्विटेशन भेजा गया है। तो एक बड़ी तैयारी है इस पूरे शपथ ग्रहण कार्यक्रम को ऐतिहासिक करने की। शपथ ग्रहण समारोह को बेहद शानदार बनाने की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, आप मेरे साथ बाएं तरफ देख सकते हैं किस तरीके की तैयारियां लगातार चल रही हैं। साफ सफाई, लगातार सड़कों को साफ किया जा रहा है। ये पूरा इलाका पार्किंग का होगा, आवागमन का होगा, फ्लीट्स आएंगी VVIP इस इलाके से, और इसको लेकर के पूरी तैयारी इधर चल रही है। अगर आप देखें, बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी, LDA के कर्मचारी, प्रशासन के तमाम सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और कोशिश की जा रही है इस इलाके को जल्द से जल्द तैयार कर लिया जाए शपथ ग्रहण के लिहाज से। बहुत सारी ऐसी कोशिशें हैं। हमारे साथ कर्ण सिंह जी हैं, उद्यान अधिकारी हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण में। कर्ण जी, क्या तैयारियाँ हैं इस बार शपथ ग्रहण को लेकर? ये पूरे एरिया के पार्किंग की कोई समस्या ना हो, तो विशेष तौर पे ये ध्यान रखा गया है कि इस पे पार्किंग की समस्या ना हो, इसलिए साफ़ सफाई कराई जा रही है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए सड़कों को साफ़ सुथरा किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए ढेर सारे मौसमी पौधे लगाए जा रहे हैं, इसमें डिफरेंट कलर के शेड के लगाए जा रहे हैं, ज़्यादातर लगाए जा चुके हैं। अंदर के जो जहाँ पर कार्यक्रम होना है वहाँ पर भी लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के पुष्प जो लखनऊ में उपलब्ध हैं या बाहर से भी मंगाए गए हैं, इस पे ढेर सारे मौसमी पौधे जैसे पिटूनिया, डायंथस, फ्लॉक्स, डहेलिया, मैरीगोल्ड, ढेर सारे पौधे लगाए जा रहे हैं। शपथ ग्रहण का जो मंच होगा उसको किस तरीके के फूलों सजाया जा रहा है, इसके बारे में मेरे लिए बोलना ठीक नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। और बाहर के लिए सौंदर्यीकरण और अंदर के लिए डिस्प्ले में जितने भी मौसमी पौधे हैं वो फूलों से भर दिया जाएगा। कर्ण सिंह है लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी, मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं यहाँ भी लगातार काम चल रहा है साफ सफाई का। कोशिश ये है कि पूरी तैयारी बेहद मुकम्मल हो, और इसके लिए लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण के, नगर निगम के कर्मचारी पूरे दिन रात एक किए हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं कि वो किसी भी तरीके से कोई चूक न रहे इस पूरे तैयारी में, क्योंकि भव्य कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के, योगी आदित्यनाथ Part 2 के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है, और यही वजह है कि कान्हा स्टेडियम के चारों तरफ एक तरफ साफ सफाई का काम चल रहा है, दूसरी तरफ हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। 3-3 हेलीपैड VVIPs के लिए यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए, उनके साथ आने वाले उनके कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगियों के लिए, उनकी सुरक्षा की टीम के लिए यहाँ पर बाकायदा हेलीपैड इस इलाके में तैयार किया जा रहा है, अगर आप देख सकें। और ये पूरा हेलीपैड जो इस इलाके में तैयार हो रहा है, इसको तैयार करने के लिए पिछले 48 घंटों से लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है। SPG की टीम भी लखनऊ आ चुकी है, और वो भी इस इलाके का मुआयना करेगी, और उसके अप्रूवल के बाद जो है वो इस हेलीपैड को हरी झंडी दी जाएगी।
3 हेलीपैड, इसके अलावा 112 जो डायल 100 जिसका नाम बदल करके 112 रखा गया डायल, वहाँ पर जो है भी इंतजाम किया गया है। और वैकल्पिक व्यवस्था है कि अगर इन 3 हेलीपैड्स को SPG का अप्रूवल नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में जो है 112 का जो हेलीपैड है उसको भी अनुमति दी जा सकती है। तो इमरजेंसी के तौर पर उसे रखा गया, लेकिन फिलहाल हेलीपैड को तैयार करने का काम यहाँ पर जोर शोर से चल रहा है और माना जा रहा है कि आज शाम तक हेलीपैड यहाँ पर पूरी तरह तैयार होगा, जहाँ पर 25 तारीख को जब प्रधानमंत्री और उनके साथ उनकी सुरक्षा टुकड़ी यहाँ पर आएगी तो उसको यहाँ पर बेहतर तरीके से लैंड करने की स्थिति मिली, क्योंकि बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होनी है। करीब 70,000 के आसपास की संख्या में लोग अंदर स्टेडियम में मौजूद होंगे और बाहर तो चूंकि ऐतिहासिक जीत है बीजेपी के लिए और बीजेपी से और ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है, लिहाजा कार्यक्रम बहुत भव्य होने जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रदेश के देश के कोने कोने से यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। जर्नलिस्ट जितेंद्र सिंह के साथ अवनीश विद्यार्थी, इंडिया हेड, लखनऊ।